इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ यास तूफान की समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी 30 मिनट की देरी से पहुंची। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री आधा घंटा इंतजार करते रहे राज्य के मुख्यमंत्री का। सूत्र ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी और बंगाल के चीफ सेक्रेटरी मीटिंग में 30 मिनट की देरी से पहुंचे और बैठक में पहुंचते ही ममता बनर्जी ने चक्रवात यास के हालात से जुड़े कुछ दस्तावेज, कुछ पेपर, एक रिपोर्ट वो प्रधानमंत्री को सौंप दी और तुरंत ये कहकर कि उनकी और अपॉइंटमेंट्स हैं, उन्हें और मीटिंग्स में जाना है, ये कहकर वहां से चली भी गई। आप अंदाजा लगाइए, देश के प्रधानमंत्री जो कि पश्चिम बंगाल में आए तूफान यास पे जो नुकसान हुआ उसकी समीक्षा कर रहे थे, आज उन्होंने हवाई सर्वे किया, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री से मिलना था, हालात पर चर्चा करनी थी, प्रधानमंत्री और तमाम केंद्रीय नेता, गवर्नर, बीजेपी के बंगाल के नेता वहां इंतजार करते रहे कि अब मुख्यमंत्री आएंगी। मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी आधा घंटा देरी से आते हैं और उसके बाद सिर्फ ये कहकर कि उन्हें कहीं और जाना है, किसी और बैठक में जाना है, एक फाइल उनको देते हैं कि ये आपके ये जानकारी है तूफान से हुए नुकसान की और वहां से चले जाते हैं। आप समझिए, इससे ऐसा व्यवहार कहना पड़ेगा, ऐसा खराब और भद्दा व्यवहार, प्रधानमंत्री, गवर्नर, ये संवैधानिक पद है, इनके साथ कभी किसी मुख्यमंत्री या किसी और नेता ने कभी किया हो इसके कोई उदाहरण आप सोचेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। चुनावी राजनीति में जो कुछ भी कहा गया हो, किया गया हो, वो अपने आप वो अलग बात है, लेकिन यहां मामला है राज्य की जनता को जो नुकसान हुआ उसका एक अंदाजा लेने का, उन तक कैसे रिलीफ पहुंचे उसको सुनिश्चित करने का, और इसके लिए प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री राज्य के दौरे पर जाते हैं। और पहली बात, रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री को कोई नहीं आया, चलिए इसको भी आप कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री व्यस्त होंगी कहीं, लेकिन इसके अलावा जब मीटिंग में प्रधानमंत्री पहुंचकर, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री अगर कोई बैठक लेने जा रहे हैं तो इसकी जानकारी एन मोमेंट पर मुख्यमंत्री को दी जाती होगी, ये सारा प्रोग्राम बहुत पहले से तय होगा, उसके बावजूद मुख्यमंत्री और उनके चीफ सेक्रेटरी जो कि सरकार के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, वो दोनों आधा घंटा देरी से आते हैं। आप सोचिए क्या वहां पर माहौल रहा होगा कि प्रधानमंत्री बैठे हैं एक मीटिंग हॉल में और इंतजार कर रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री आएंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के आए बगैर आप कोई समीक्षा कर नहीं सकते, और आधे घंटे के बाद वो आती हैं और फिर उसके बाद वहां पर कोई बात नहीं करती, वो एक प्रेजेंटेशन दी जानी थी स्क्रीन पर उसका भी वो इंतजार नहीं करती, केवल एक फाइल देती है और वहां चली जाती है। आप सोचिए कि ऐसा व्यवहार कभी आपने एक प्रधानमंत्री के साथ किसी को करते हुए सुनाया देखा हो। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र, बड़ी शॉकिंग खबर है ये कहना पड़ेगा, ऐसा व्यवहार ना कभी देखा ना सुना, कि आप एक बार, चूंकि आपकी बात हुई होगी आपके सोर्सेस से, जरा पूरा घटनाक्रम समझा दीजिए क्या हुआ था। सर, बहुत ज्यादा शॉकिंग नहीं है, बहुत ज्यादा शॉकिंग इस लिहाज से नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि कल दोपहर में हमें ये जानकारी मिल गई थी कि पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री जा रहे हैं और उड़ीसा जा रहे हैं हवाई दौरा करने के लिए। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल की सरकार को उससे पहले इन्फॉर्म कर दिया गया होगा। उसके बाद जैसे ही शाम हुई और शाम होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस बात की जानकारी मिली कि शुभेंदु अधिकारी जो कि वहां पहलो भी हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो भी इस बैठक में शिरकत कर सकते हैं, शायद उन्हें भी इस बैठक में बुलाया गया है या फिर वो खुद अपनी तरफ से जा रहे हैं, ये अभी क्लियर नहीं था, लेकिन ये मैसेज ममता बनर्जी को मिला। और वहां से टीएमसी के सोर्सेज ने कल शाम से ये कहना शुरू कर दिया था कि संभव है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शिरकत ही ना करें, और शिरकत नहीं करने का फैसला इस लिहाज से हो रहा है कि आखिर शुभेंदु अधिकारी को क्यों वहां पे बैठक में बुलाया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि देश का प्रधानमंत्री जा रहा हो दिल्ली से उड़कर पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में, वहां पे जो आपदा आई है उस पर राहत देने के लिए, राहत पे बात करने के लिए जा रहे हो, और वहां पे एक मुख्यमंत्री को इस बात से एतराज हो कि वहां पे एक दूसरा नेता क्यों आ रहा है। जाए तो ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी बल्कि सरकार के स्तर पर बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली भी रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा फीडबैक लेना पसंद करते हैं ताकि उसके हिसाब से एक्शन लिया जा सके। कल शाम में जब टीएमसी के सोर्सेज ने कहना शुरू कर दिया तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना प्रीप्लांड था, और उस लिहाज से आप कहिए कि शायद ममता बनर्जी ने एक बड़ा फैसला लिया कि कम से कम जो पहले टीएमसी के सोर्सेज ये कह रहे थे कि वो जाएंगे ही नहीं, शायद उनके नजरिए में बड़ा इस लिहाज से रहा होगा कि बस इस बैठक में आई, कागज देके चली गई, और आप अंदाजा लगाइए कि उसी प्रेमाइस में वो मौजूद थी और तकरीबन आधे घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात के लिए इंतजार करते रहे कि मुख्यमंत्री अगर आती और वहां पे आने के बाद उनसे चर्चा होती। आप अंदाजा लगाइए कि जिस उड़ीसा में बंगाल जाने से पहले
उड़ीसा गए थे प्रधानमंत्री मोदी, और वहां भी अपोजिशन की सरकार है, बीजेडी की सरकार है, नवीन पटनायक के साथ जो बैठक रही कितनी कंस्ट्रक्टिव बैठक रही, वहां भी धर्मेंद्र प्रधान लगातार मौजूद थे पीएम के साथ, लेकिन इसके बावजूद वहां पे कोई भी ग्लिचेस नहीं दिखा। उल्टे नवीन पटनायक ने ये कहा कि क्योंकि पैंडेमिक का दौर है तो ऐसे में केंद्र सरकार के ऊपर कोई बर्डन नहीं डालना चाहते हैं राहत पैकेज का डिमांड करके, बल्कि उन्हें जो इमीडिएट रिलीफ चाहिए वो इस प्रकार का चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में परमानेंट सॉल्यूशन के लिए रिलीफ चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से लगभग 1,000 करोड़ रुपए का ग्रांट दे दिया गया है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के निर्यात तूफान से प्रभावित लोगों के लिए, बावजूद उसके उड़ीसा में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं तो कल शाम से जो सुगुराहट थी उसका एक अगली रूप। चलिए ठीक है, अच्छा देवेंद्र, अगर ये मान भी लिया जाए कि ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी से प्रॉब्लम थी, तो पहली बात तो ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में लीडर ऑफ अपोजिशन है असेंबली में शुभेंदु अधिकारी, ऐसे उड़ीसा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे उनको भी प्रधानमंत्री के साथ बैठक में बुलाया गया था, वहां पर तो मुख्यमंत्री को कोई दिक्कत हुई नहीं, चाहे वो वहां पहुंच पाया नहीं पहुंच पाया किसी वजह से, शायद वो नहीं जा पाए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर ड्यूली अपॉइंटेड लीडर ऑफ अपोजिशन को प्रधान मुख्यमंत्री के साथ बैठक में बुलाया जाता है, तो इसमें कौन सी ऐसी बात होगी, इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? जी निश्चित तौर पर, और जब हमने सरकार के लोगों से सुबह इस बाबत टटोला तो वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि ये कोई इशू है और इस बात को लेकर ममता बनर्जी कोई ऐसा फैसला करेंगी जिसमें इस क्राइसिस के समय में कोई अगली चेहरा देखने को मिलेगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किस प्रकार की टकराहट हो रही है। लेकिन जाहिर तौर पर सरकार की बैठक के बजाय एक पॉलिटिकल मूव के तहत जो कि ममता बनर्जी का लगातार दिखते रहा है, चुनाव से पहले जो आपने देखा कि कई मौकों पर केंद्र सरकार से सीधे सीधे टकराहट करने में और उसका मैसेजिंग करने में वो कोई देर नहीं लगाती, जबकि व्यक्तिगत तौर पर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रसगुल्ले भेजना, कुर्ते भेजना, ये सारी चीजें थी। लेकिन जब पब्लिक क्वेश्चन की बात आ जाती है तो वो लगातार इससे स्टैंड को लेती हैं कि किस प्रकार से केंद्र सरकार के साथ उनकी टकराहट है, और पहले भी आपने देखा कई मौकों पे वो कोई ना कोई टकराहट का बहाना ढूंढते रही है। लेकिन इस बार इस लिहाज से बहुत एक्सेप्शनल है, बहुत ही अजीबोगरीब है कि इस क्राइसिस के समय प्रधानमंत्री वहां पे जा रहे हैं, वहां के लोगों को राहत देने के लिए बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, वहां पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास ये कहना है कि उनके पास मीटिंग बाकी लाइनअप थी, वो भी तब जबकि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कम से कम कल दोपहर से पहले पश्चिम बंगाल की सरकार को आधिकारिक तौर पे इस बात की जानकारी दे दी गई थी। आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री से ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक क्या हो सकती है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, और ऐसी कौन सी बैठक हो सकती है जिसे वो टाल ना सके हैं, ऐसी कौन सी बैठक हो सकती है कि उसी प्रमाणित में मौजूद थी, बावजूद उसके आधा घंटा तक प्रधानमंत्री को इंतजार कराया, सिर्फ वहां पर गए डॉक्यूमेंट्स दिए और डॉक्यूमेंट्स देकर चला जाना, ये तमाम सवाल है जो कि सीधे सीधे बता रहे हैं कि ये उनका एक फिर से टकराहट वाला पॉलिटिकल मूव था। जाहिर तौर पर राज्य की जनता के लिए बहुत अजीबोगरीब स्थिति होगी, उन प्रभावित लोगों के लिए बहुत अजीबोगरीब स्थिति होगी जो कि इस उम्मीद में रहे होंगे कि प्रधानमंत्री और राज्य सरकार के साथ बैठ के कोई कंस्ट्रक्टिव बातचीत होगी, ताकि जैसा कि उड़ीसा में हुआ कि एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ा जाए। अब देखिए मैं कुछ एक न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं, पहले तो हम ये जो तस्वीर चल रही है आप देखिए, इसमें प्रधानमंत्री आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे, इसमें आपको और दो तीन लोग भी दिखाई देंगे, और आधा घंटे तक यही परिस्थिति वहां पर रही, और इसके बाद ममता बनर्जी आई, एक फाइल सौंपी और वो चली गई। पहले तो ऐसा कोई उदाहरण आज तक देखा नहीं, कभी सुना नहीं कि किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा व्यवहार किसी प्रधानमंत्री के साथ किया हो, भले ही आपके राजनीतिक विवाद कितने हो, आपके पर्सनल रिश्ते चाहे कितने खराब हो, लेकिन कभी ऐसा व्यवहार एक औपचारिक बैठक के अंदर प्रधानमंत्री के साथ कभी किसी ने नहीं किया, पहली बात। एक न्यूज रिपोर्ट में देख रहा हूं अभी देवेंद्र, इसमें यह बताया गया कि सागर आइलैंड जगह है साउथ 24 परगना में, वहां ममता बनर्जी ने कुछ मीडिया के लोगों को यह कह दिया था कि मैं प्रधानमंत्री की रिव्यू मीटिंग में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे वहां पहुंचने में 45 मिनट लगेंगे, मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है और वो रिपोर्ट में जाकर के बस प्रधानमंत्री को सौंप दूंगी, लेकिन मैं समय पर वहां पर नहीं पहुंच पाऊंगी। तो ये बात समझ से परे है, प्रधानमंत्री की बैठक की जानकारी कल से है उन्हें जैसा आपने बताया, और आज वो ये बता रही है मीटिंग से चंद मिनट पहले कि मैं वहां वक्त पर नहीं पहुंच पाऊंगी, तो ये तो सिर्फ बहाना बनाना हुआ। निश्चित तौर पर सर, ये सिर्फ कहने की बात है कि कल दोपहर से पहले आधिकारिक तौर पर पश्चिम बंगाल की सरकार को इस बात की सूचना निश्चित तौर पर रही होगी, क्योंकि दोपहर से जब हमें इस बात की जानकारी थी और कंफर्मेशन के साथ इस बात की जानकारी थी कि पीएम उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर ना सिर्फ जा रहे हैं बल्कि वहां पर रिव्यू मीटिंग भी करेंगे और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भी रिव्यू मीटिंग करेंगे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ, उसमें हमें ये इस बात की भी जानकारी कर दी थी कि धर्मेंद्र प्रधान वहां पे मौजूद रहेंगे, प्रताप सारंगी मौजूद रहेंगे उड़ीसा में। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की बात करें तो देवश्री चौधरी जो कि केंद्रीय मंत्री है वो मौजूद रहेंगे और शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रह सकते हैं, इस बात की जानकारी मिली थी। और जैसे ही ये बात पहली शाम होते होते टीएमसी के सोर्सेज ने इस बात को कहना शुरू कर दिया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक का बायकॉट कर सकती हैं, और बायकॉट करने की वजह यह बताई जा रही थी कि आखिर शुभेंदु अधिकारी को क्यों बुलाया जा रहा है।
आज सुबह जब पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने भी एक ट्वीट किया तो जाहिर तौर पर वो ट्वीट भी ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा नागवार गुजरा होगा, क्योंकि उनका लगातार 36 का रिश्ता रहता है पश्चिम बंगाल के गवर्नर के साथ ही। और वैसी स्थिति में वो सिर्फ एक क्वेश्चनिंग के तहत ये कहना है कि हाँ विलंब हो गया, लेट हो जाऊंगी, नहीं जा पाऊंगी, इसको माना जा सकता है, क्योंकि टीएमसी के सोर्सेज इस कहानी को कल शाम से ही बता रहे थे और वो इस बात को बार बार कह रहे थे कि अगर शुभेंदु अधिकारी आए वहां पे या उनको बुलाया गया तो ममता बनर्जी इस बैठक का बहिष्कार कर सकती हैं। ऐसी कोई भी बैठक जो कि प्रधानमंत्री वहां पे आ रहे हो, क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर आ रहे हो, उसी बैठक के लिए स्पेशली आ रहे हो, मुख्यमंत्री की ऐसी कोई भी बैठक इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता जो कि प्रधानमंत्री की बैठक के साथ वो ये कह रहे हैं कि आधे घंटे इंतजार कर रहे हैं। 22 मिनट पहले देवेंद्र ममता बनर्जी ने ट्वीट करके ये सारी प्रकरण अपने नजरिए से बताया है और उन्होंने कहा कि मैंने हिंगलगंज और सागर में रिव्यू मीटिंग करी और इसके बाद मैं प्रधानमंत्री से कलाई कुंडा में जाकर के मिली और मैंने उनको सिचुएशन के बारे में बता दिया जो साइक्लोन के बाद की है पश्चिम बंगाल में और एक डिजास्टर रिपोर्ट मैंने उनको उनकी जानकारी के लिए उनको सौंप दी और इसके बाद मैं एक और रिलीफ काम को देखने के लिए दीघा जा रही हूं। तो ये तो वो खुद बता रही हैं कि मैं वहां गई और मैंने बस एक रिपोर्ट उनको सौंपी और उसके बाद मैं वहां से चली गई। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या आपके आपके इतने लंबे अनुभव में कभी आपने किसी को ऐसा व्यवहार करते देखा है प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति के साथ, कोई भी प्रधानमंत्री हो किसी भी पार्टी का? निश्चित तौर पर सौरभ नहीं है। और आप देखें तो जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और गुजरात के मुख्यमंत्री से बहुत सारे तब नरेंद्र मोदी हुआ करते थे और बहुत सारे मसलों पे केंद्र सरकार के साथ लगातार टकराहट रहती थी, तब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को कहते हैं कि उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है, बहुत सारा भेदभाव किया जाता है, उनके फैसलों को केंद्र सरकार से अड़ंगा डाला जाता है, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन एक भी बैठक ऐसी नहीं रही हो जिसमें नरेंद्र मोदी उस बैठक में शामिल ना करते हो या फिर किसी भी बैठक में गरिमा के साथ किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज हुआ हो या फिर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो जितने सारे बाकी दूसरे राज्यों में जाते हैं, चाहे आप केरल की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, आज ही के दिन के उड़ीसा की आप बात कर लें, तो कहीं भी जब वो जाते हैं तो इस तरह की चीज देखने को नहीं मिलती। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये देखने को मिली। और मैं सौरभ आपको एक दिलचस्प चीज बताऊं कि पिछले कुछ महीने पहले सरकार के एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, तब पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर इतनी ज्यादा हलचल नहीं थी, महीने ना कहें तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले की बात है, तब उनसे जब मैंने ये पूछा कि किस राज्य सरकार के साथ जो कि जहां पे अपोजिशन की सरकार है काम करना सबसे ज्यादा मुश्किल है या ऐसा लगता है कि आप लोगों को मुश्किल होगी, वो सरकार के बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनका ये कहना था कि किसी भी राज्य सरकार के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह होते हैं लेकिन जब सरकार से सरकार सरकार टू सरकार जब बातचीत होती है तो उसमें कोई समस्या नहीं आती है सिवाय पश्चिम बंगाल के। और तब वहां पे चुनाव को लेकर अभी कोई जो गर्माहट थी इतनी ज्यादा शुरू नहीं हुई थी, तब भी उनका यह आकलन था कि पश्चिम बंगाल के सरकार के साथ काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि सरकार के स्तर पे भी वहां पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाता है। जाहिर तौर पे आज जो तस्वीर देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं उनका जो वो अंदेशा था, वो जो बयान था सरकार के एक बड़े व्यक्ति का, उसको पुश करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर ममता बनर्जी सिर्फ पोस्टिंग के तहत ये सारे एक्सक्यूज दे रही है, अदरवाइज जो बैठक प्रधानमंत्री की बैठक तकरीबन 24 घंटे पहले तय हो उस बैठक में इस तरह का रवैया निश्चित तौर पे किसी भी राज्य में किसी भी दल की सरकार के साथ किसी भी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। पता तो ये भी चला है देवेंद्र कि जब मुख्यमंत्री वहां पहुंची हैं तो एक प्रेजेंटेशन जो थी वो एक स्क्रीन पर प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत की जाने वाली थी लेकिन ममता और वो सब उसकी तैयारी हो चुकी थी, सिर्फ वो प्रेजेंटेशन को शुरू करना था लेकिन ममता बनर्जी उसके लिए भी नहीं रुकी। मतलब इससे बड़ी आप इससे बड़ा खराब व्यवहार और क्या करेंगे। और मैं भी और जानकारी ले रहा था, अगर ममता बनर्जी के इस बैठक को बॉयकॉट करने की, अब तो बॉयकॉट ही कहा जाएगा क्योंकि अगर वो गई भी है तो वो सांकेतिक तौर पर गई केवल एक फाइल रिपोर्ट देने के लिए, अगर वजह शुभेंदु अधिकारी का वहां होना है तो शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ अपोजिशन है। उड़ीसा में भी प्रधानमंत्री ने ऐसी बैठक करी, उड़ीसा के लीडर ऑफ अपोजिशन को भी बुलाया गया था लेकिन वो कोविड संक्रमित है, अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं इसलिए वो नहीं जा पाए थे। इतना ही नहीं, इस बैठक के लिए पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री उनके कार्यालय की तरफ से अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के नेता है बंगाल से आते हैं, सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी बुलाया गया था लेकिन वो दिल्ली में थे, वो इसलिए नहीं जा सके। तो ऐसा नहीं है कि इस बैठक में किसी को इसलिए बुलाया गया हो कि ममता बनर्जी को चिढ़ाना है देवेंद्र? यह निश्चित तौर पर सौरभ, और ये जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी भी क्राइसिस के समय जब पीएम कहीं जाते हैं तो वहां पे कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से फीडबैक लिया जाए
ताकि उस आइडियाज के आधार पे आगे का प्लान बनाया जा सके। आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाए तौर पर सेंटर चेयर पे बैठते हैं, उनके ठीक लेफ्ट साइड में पीएम के अगर बैठने के लेफ्ट साइड में जो चेयर है वहां पे ममता बनर्जी के लिए, उनके चीफ सेक्रेटरी के लिए, मतलब वहां तो वो सारी चीजें पूरे डिग्निटी के साथ रहती है। और शुभेंदु अधिकारी अगर उस बैठक में होते भी तो वो पीछे कहीं साइड में कहीं किनारे बैठे होते। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं था कि शुभेंदु अधिकारी के साथ ममता बनर्जी कोई बातचीत वहां पे होनी थी। वहां जो बातचीत होती वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री की बातचीत होती, मुख्यमंत्री की बातचीत होती और चीफ सेक्रेटरी के साथ कुछ बातचीत होती। लेकिन इन तीनों के अलावा बस किसी को कुछ आइडिया तो ना होता था तो वो दे सकते थे, अदरवाइज किसी बात विवाद की कोई गुंजाइश नहीं। दूसरी तरफ में पीएम के दूसरे साइड में वो केंद्रीय मंत्री है वो वहां पे बैठे होते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने जो ऐसा रुख दिखाया है जाहिर तौर पे केंद्र की सरकार भी वहां पे एकदम हतप्रभ है, हैरान है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सुबह जब मैंने बात को टटोलने की कोशिश की थी कि हो सकता है कि ममता बनर्जी उस बैठक में ना आए, तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे सरकार के लोग कि ऐसा नहीं होगा कि इस क्राइसिस के समय इस बैठक की पीएम जा रहे हो उस बैठक में ममता बनर्जी ना आए, बैठक में शिरकत ना करें, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन आज वो तस्वीर देखने को मिल गई। एक बार जरा सुरभि के पास चलते हैं, सुरभि आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगी और ममता बनर्जी लगातार ट्वीट्स भी कुछ कर रही हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। सुरभि, तस्वीरें एक तरीके से एक बार फिर से ये सवाल जाहिर जरूर कर रही हैं और जिन तस्वीरों का लगातार देवेंद्र और आप जिक्र कर रहे हैं उन तस्वीरों को देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से ये रिव्यू मीटिंग होनी थी, हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री ने पूरा हवाई सर्वे करने के बाद राज्यों के साथ ये मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में एक प्रोजेक्टर के थ्रू ओवरऑल एनालिसिस होना था कि आखिर कौन कौन से राज्य प्रभावित हैं। लेकिन ममता बनर्जी की गैर मौजूदगी यहां पर वो सवाल इसलिए खड़े कर रही है क्योंकि आप इन तस्वीरों को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहां पर इंतजार करते रहे, ये एक पूरा पैनल था जहां पर सीएम ममता बनर्जी को भी यहां पर बैठना था और यहां पर हम देख रहे हैं राज्यपाल मौजूद हैं और तमाम वो टीम्स मौजूद हैं जो इस हवाई सर्वे के बाद एक रिपोर्ट एनालिसिस के साथ प्रधानमंत्री के सामने एक प्रोजेक्टिव के थ्रू उस रिपोर्ट को पेश करने वाले थे कि आखिर कहां कहां पर कितना नुकसान है और किस लिहाज से तैयारी थी जो पर्टिकुलरली इफेक्टेड एरियाज थे। लेकिन यहां अगर आप देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री आपको साफ नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री इस बात को लेकर, क्या बाकी सभी इसी बात को लेकर और आप सब खुद इस बात को लेकर हैरान है ममता बनर्जी के उस रवैये को लेकर कि उन्होंने आकर सिर्फ यहां पर एक डॉक्यूमेंट सोपा और ना ये कोशिश की कि प्रधानमंत्री के पास खड़े होकर या ये जो सीट अलॉटमेंट यहां पर होता है क्योंकि हम देखते हैं कि अगर यहां पर प्रधानमंत्री सेंटर में बैठते हैं तो उनके लेफ्ट में सीएम होते हैं और यहां सीएम ममता बनर्जी ने जहां पर बैठना था वहां एक ओवरऑल एनालिसिस सिर्फ उसके आने के बाद ही शुरू होना था क्योंकि ये कोशिश की जानी थी कि प्रधानमंत्री खुद डायरेक्ट इंटरेक्शन करें स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के साथ ये सुनिश्चित करते हुए कि अगर केंद्र की तरफ से किसी तरह या की और सहायता की जरूरत है या जो पर्याप्त इंतजाम किए गए थे वो अगर नागवार है तो आगे और क्या कोशिश की जा सकती है ताकि प्रभावित इलाके और लोगों तक सही सुविधाएं पहुंचाई जा सके। लेकिन ममता बनर्जी का यह रवैया एक बार फिर से उनकी नाराजगी को तो जाहिर कर ही रहा है और हैरानी इसी बात की है कि यहां ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी यह कोशिश नहीं की गई कि पीएम के साथ हालात को लेकर कोई इंटरेक्शन किया जाए और हैरानी इस बात की कि वो दो कुर्सियां अभी भी हम देख रहे हैं कि इस मीटिंग के एक तरफ जहां आधे घंटा इंतजार किया गया कि मीटिंग की शुरुआत की जाए यहां पर प्रधानमंत्री खुद इंतजार करते रहे कि सीएम कब पहुंचेंगी कब यहां पर आएंगे और हैरानी इसी बात की है कि वो यहां पर आई और एक सौंप कर सीधे चली गई और ना ही इसको लेकर कोई प्रधानमंत्री से सीधा उनका इंटरेक्शन हुआ। बिल्कुल सुरभि, और ममता बनर्जी इस बात को लेकर के ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने इस बात को छुपाया कि मैं नहीं, कि उन्होंने बकायदा इस बात को ट्विटर पर जारी किया कि मैं उस बैठक में गई और मैंने एक रिपोर्ट सौंपी और वो रिपोर्ट सौंप कर मैं वहां से वापस चली आई। तो ये ममता बनर्जी खुद भी ट्विटर के जरिए लोगों को बता रही हैं और लगातार वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं खुद भी जायजा ले रही हूं राज्य का, जहां जहां प्रभावित जहां जो भी इलाके प्रभावित हुए हैं मैं खुद दौरा कर रही हूं, इसीलिए मैं उस पर ज्यादा ध्यान दे रही हूं बजाय कि मैं प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक में शामिल होती। यानी तवज्जो प्रधानमंत्री की बैठक को उन्होंने नहीं दी। देवेंद्र, आपको जो वजह बता रहे हैं कि दरअसल असल वजह निकल के ये आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया है, मत भूलिएगा कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, उनकी पार्टी बहुत बड़े बहुमत से जीती है लेकिन ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई थी और उनको हराने वाले थे शुभेंदु अधिकारी, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है विधानसभा में, वो इस बैठक में मौजूद थे, ये बात उनको कल से मालूम थी और कल से ही दरअसल इस किस्म की बातें टीएमसी के सूत्रों से आना शुरू हो गई थी जो देवेंद्र तक पहुंची कि शायद ममता बनर्जी ऐसा कुछ कर सकती हैं कि पीएम की बैठक में ना जाएं। और आज हुआ भी वैसा ही, वो गई जरूर लेकिन एक सांकेतिक तौर पर, वो भी आधा घंटा लेट, प्रधानमंत्री को एक फाइल सौंपी, एक रिपोर्ट सौंपी और वहां से यह कहकर चली गई कि मेरे और कार्यक्रम हैं, मुझे उनमें शामिल होने के लिए जाना होगा। अब देवेंद्र, अगर इसको देखें सीधे तौर पर तो यह प्रधानमंत्री के साथ तो जो बर्ताव हुआ वो हुआ, लेकिन अंदर कितनी कटुता होगी उनके कि वो शुभेंदु अधिकारी के सामने बैठना तक गवारा नहीं कर रही हैं, अगर केवल शुभेंदु अधिकारी ही वजह थे तो।
या निश्चित तौर पर सौरभ, और उस विधानसभा में आखिर उनको बैठना ही होगा और शुभेंदु अधिकारी बार बार उनसे सवाल पूछेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे, शुभेंदु अधिकारी एलओपी के तौर पे मुख्यमंत्री से सवाल पूछते रहेंगे, वो उनको झेलना होगा अगले 5 साल, वो चाहे या ना चाहे ये उनको झेलना ही होगा। लेकिन आप देखें तो आज की बैठक में क्राइसिस के समय ये व्यवहार करना निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के लोगों को भी ये उम्मीद नहीं रही होगी। अभी पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने ट्वीट के मार्फत भी अपनी अपना क्षोभ एक तरह से इस पर जाहिर किया है कि पश्चिम बंगाल के लोगों के हित में था कि इस रिव्यू मीटिंग में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शिरकत करती, उनका इस बैठक में शिरकत ना करना ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ना ही रूल ऑफ लॉ के हिसाब से कोई सर्विस कर रहा है बल्कि इल सर्विस है, मतलब खराब सेवा है राज्य के लोगों के साथ। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं उन्हें भी ये उम्मीद नहीं रही होगी कि ऐसी तस्वीर देखने को मिल सकती है। लेकिन कल शाम के बाद निश्चित तौर पे जो जिस प्रकार के फिलर आ रहे थे, मुझे ये अंदेशा था सौरभ कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। और इस तस्वीर के आने से थोड़ी देर पहले जब हम लोग बात कर रहे थे तो वहां भी तब मैंने यही कहा था कि अगर आज कोई वैसी तस्वीर देखने को ना मिली तो ये एक एक्सेप्शनल मामला होगा। जाहिर तौर पर कल शाम के बाद से टीएमसी के सोर्सेज की तरफ से जिस प्रकार की सुगबुगाहट आ रही थी उससे ये अंदेशा। आप अभी गवर्नर के जिस ट्वीट का जिक्र कर रहे थे, एक बार हम सुरभि के पास चलते हैं ताकि वो राज्यपाल ने इस पूरे प्रकरण पर क्या कहा है वो बता सकें। बताइए सुरभि। बिल्कुल, ये अब हम इस वक्त दिखा रहे हैं जगदीप धनखड़ का वो ट्वीट जो अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने किया, और सौरभ जिस बात का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं यही बात उन्होंने कही है कि ये सब कुछ लोगों के इंटरेस्ट के तहत होना था। ये रिव्यू मीटिंग सबको पता है कि आखिर ऑफिशियली ये मीटिंग क्यों मायने रखती है, इस हालात को देखते हुए मीटिंग क्यों मायने रखती है, लेकिन उनकी तरफ से ये साफ कह दिया गया इट वुड हैव सर्व्ड इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एंड इट्स पीपल फॉर सीएम एंड ऑफिशियल्स ममता बनर्जी को टैग करते हुए टू अटेंड रिव्यू मीट बाय पीएम। कॉन्फ्रंटेशनल स्टैंड्स इल सर्विसेज इंटरेस्ट ऑफ स्टेट और डेमोक्रेसी, नॉन पार्टिसिपेशन बाय सीएम, सवाल उठा दिया, ये साफ कह दिया है कि सीएम की गैर मौजूदगी, और इससे ये साफ पता लगता है कि वो डायरेक्ट ना सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं बल्कि इस बात को भी साफ कह रहे हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉन पार्टिसिपेशन बाय सीएम एंड ऑफिशियल्स नॉट इन सिंक विद द रूल ऑफ लॉ। यानी आपको अगर ऑफिशियल्स के साथ बैठकर बातचीत करनी है इस बारे में, ये देखना है कि जो हालात इस वक्त हैं उनको लेकर क्या क्या कदम उठाए जाने जरूरी हैं। लेकिन इस बीच में आपको ममता बनर्जी का वो ट्वीट भी एक बार दिखा देती हूँ जिन्होंने ये साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि आखिर आफ्टर हैविंग रिव्यू मीटिंग उन्होंने सागर और हिंगलगंज में एक रिव्यू मीटिंग की थी और उन्होंने ये कहा कि मैंने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की है, आई मेट द ऑनरेबल पीएम इन कलाईकुंडा एंड अप्राइज्ड हिम रिगार्डिंग द पोस्ट साइक्लोन सिचुएशन इन वेस्ट बंगाल, द डिजास्टर रिपोर्ट हैज बीन हैंडेड ओवर फॉर हिज पर्स्यूअल, आई हैव प्रोसीडेड नाउ टू रिव्यू द रिलीफ एंड रिस्टोरेशन वर्क इन दीघा। और उन्होंने ये बात क्लैरिफाई भले ही सोशल प्लेटफॉर्म पर करी है लेकिन प्रधानमंत्री के सामने उनका जो रवैया रहा सौरभ वो जरूर सवाल खड़े करता है। आप सुरभि देवेंद्र, बड़ी खबर है और यकीनन एक बहुत खराब संदेश इस बर्ताव से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।